क्वेश्चन है बेटा, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. तो इसने क्या किया, सलोनी ने क्या किया कि चारकोल बर्न हो रही. चारकोल किसकी होती है, कार्बन की. तो ये जब बर्न हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होती, एयर की प्रेजेंस में बर्न होती. तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन. यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ, कैसे पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है. उसने क्या करा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या लेके आई, लाइम वाटर. क्या आती है, एक हमारे पास लिक्विड होता है जिसको क्या बोला जाता है, लाइम वाटर. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास होती है तो ये वाइट कलर का हो जाता है, डेट इज़ मिल्की कलर अपीयर होता है. तो इस तरीके से मुझे पता चला कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया. आल्सो तुम लोग लिटमस पेपर से भी देख सकते हो बेटा जी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये होती है एसिडिक. तो जो भी कोई एसिडिक चीज़ है उसको लिटमस पेपर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, लिटमस पेपर जो ब्लू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में. तो अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास क्या है, एसिडिक गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, तो इससे भी मुझे नेचर ऑफ गैस का पता चलेगा. ठीक है ना, तो पहला रीज़न मेरे पास क्या है, सी कैन फाइंड द नेचर ऑफ गैस बाय यूजिंग अ वेट लिटमस पेपर आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर. वेट लिटमस पेपर की वजह से, क्योंकि गैस जो है इजिली रिएक्ट कर जाएगी वेट लिटमस पेपर के साथ. आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, इफ इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इट इज एसिडिक. सिमिलरली इट If it turn red litmus to blue, it is basic. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक है तो हमें पता चल जाएगा कि ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन क्या है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी उसको वर्ड फॉर्म में लिखो. तो ये हमारे पास C क्या है, कार्बन है बेटा जी. O क्या है, ऑक्सीजन है. तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 मेरे पास क्या है, इसको क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये मेरे पास हो गई वर्ड इक्वेशन. देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी.